और दोस्तों ऐसे एजेंटों से बच के रहें जो आपको बोलते हैं कि आर्मेनिया में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपये होगी या 60,000 रुपये होगी। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी आप 30,000 मान के चलें, क्योंकि अगर आप कोई स्किल्ड वर्कर नहीं है, अगर आपको कोई काम आता नहीं है जिसमें आप स्किल्ड हैं, तो आपकी सैलरी 30, 35 या 40 तक है। अदरवाइज़ अगर आप हैवी काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर सकते हैं, तो फिर आपकी सैलरी 50+ हो सकती है। वरना नॉर्मल जर्नल वर्कर के लिए सैलरी 30 से 45 के बीच में है। यहाँ हमने बहुत ऐसे बंदे देखे हैं जिनके एजेंट्स ने उन्हें ये कहकर भेजा हुआ है कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होगी, 60,000 होगी, तो बंदे यहाँ आके परेशान होते हैं। लेकिन जानवी मैम के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो जो बात होती है सच वही बता के भेजती हैं। उन्होंने हमें स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपये बताई थी। वो फिर बंदे की किस्मत है कि ऊपर उसको कितनी मिल सकती है। अगर आपको आर्मेनियन लैंग्वेज आती है तो आप 1,00,000 रुपये भी कमा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी यहाँ 30,000 से शुरू है और ऊपर आपको जैसा काम आता है, जैसी आपकी किस्मत, उस हिसाब से आपको मिल जाती है। लेकिन 30, 35, 40 हज़ार आप मान के चलें, इससे ज़्यादा अगर आपको कोई भी एजेंट बताता है तो वो बिल्कुल झूठ है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको आर्मेनिया की फ़ाइल प्रोसेस करवानी है तो आप एक बार जानवी मैम की टीम से मिलें, उनका काम बहुत अच्छा है, जेन्युइन काम है। और जैसी फैसिलिटीज़ और जो प्रोसेसिंग टाइम और जैसा सुविधाएं आपको आगे जाके मिलेंगी वही आपको बताई जाती हैं, कोई झूठ नहीं बोला जाता है आपसे। धन्यवाद, थैंक यू।